नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त जो रानिया विधानसभा के जीवन नगर शहर में मौजूद हैं, आपको बता दें कि यहां पर जो हरविंदर सिंह हैप्पी उर्फ हैप्पी रानिया आम आदमी पार्टी से रानिया विधानसभा सीट पर प्रत्याशी, जो यहां पर जितने भी दुकानदार हैं दुकानदारों से वोटिंग अपील कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं हैप्पी रानी। इस वक्त जो हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी रानिया हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं पूरी टीम जो इनके साथ है वोटिंग अपील करते हुए दिखाई दे रही है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप जैसे अभी डोर टू डोर प्रोग्राम कर रही हैं, पीछे गांव में भी करके आई हैं, अभी शहर में दुकानदारों से कर रही हैं, तो क्या माहौल मिल रहा है? बहुत बढ़िया रुझान है जी लोगों का, डोर टू डोर जाने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी सभी का, तो इसलिए हम लोगों के पास सीधे घरों तक पहुंच कर रहे हैं जी। तो लोग भी कहते हैं कि पहली बार है कि कोई हमारे बीच का साथी जो इलेक्शन लड़ रहा है और हमारे घर तक खुद चल के आ रहा है, तो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा ही हमें नेता चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमारे घर तक का रास्ता जानता हो, हमारे जो दुख तकलीफें हैं। कहते हैं अगर आप हमारी गली में चल के आओगे तो हम कई मोहल्ला में गए, कई बस्तियों में गए, वहाँ पे सड़कें अभी भी टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं बीच में, तो वो कहते हैं देखो ये क्या हालात हैं हमारे, आज भी हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो ग्राउंड रियलिटी इन नेताओं को, इन बड़े घराने के जो लोग हैं, इन नेताओं को क्या पता है, वो कभी इन बस्तियों में गए नहीं, उन लोगों के पास नहीं गए कि वहाँ क्या चल रहा है क्या है, ये तो बस मेन रोड पर जाते हैं और मेन रोड से निकल जाते हैं। और इन्होंने हर गाँव में अपने दो दो चार चार लोग छोड़ रखे हैं, बस इनके लिए वही सारा गाँव है और कुछ हैं। लेकिन आम जन है, जो आम लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, उनकी दुख तकलीफ़ों के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। और वही आम जनता है जो वो इस बार आम आदमी के साथ है, अपने साथी के साथ है जो उनके बीच का है। जी सर, अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो काफ़ी बड़े बड़े चेहरे जो वोटिंग अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर इधर रंजीत सिंह चौटाला की बात करूं तो दिग्विजय उनको समर्थन दे रहा है, वो पहले जो राजनीति में थे। तो अगर मैं इधर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो पहले केजरीवाल साहब जी आए थे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, मतलब कितना फ़र्क पड़ा है उनके आने से? देखिए जी, उनके आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, पूरे शहर ने ही, उनका पूरा रानिया विधानसभा ने उनका बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया उस दिन लोगों ने कि हमारे प्रिय नेता हमारे बीच में आए। और अब आने वाली जो 2 तारीख है परसों, उस दिन मीत हेयर जी आ रहे हैं जो सांसद हैं संगरूर से, पूर्व मंत्री पंजाब के, और उनके साथ MLA गुरलाल गनौर जी आ रहे हैं, और संत नगर में हम सभा कर रहे हैं शाम को 5 बजे। तो नेता ऐसे ही आ रहे हैं लगातार, कल नरेंद्र पाल सवना जी आएंगे जो MLA हैं फाजिलका से, तो सब तरफ से पूरा सहयोग मिला। और लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो पब्लिक का, लोगों का, लोग कह रहे हैं कि आप हमारे बीच आओ चाहे ना आओ तो हम आपके साथ हैं। इस बार वो बदलाव चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम आम आदमी के साथ हैं। तो लोगों ने देखा कि इन बड़े घरानों को काफ़ी मौके दे लिए, अब लोग चाहते हैं कि हम उसको लेके आए जो सरकार, जो पार्टी हमारा फ़ायदा करती, जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, जो हमें अच्छे स्कूल देती है, अच्छे हॉस्पिटल देती है, हमारे बच्चों को अच्छा रोज़गार दे रहे हैं और हमें फ्री बिजली और सारी सहूलतें दे रहे हैं, तो हम उनके साथ जाएँगे जो आम लोगों की सुनते हैं। लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, पार्टी का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो अभी 5 ही दिन बाकी है इलेक्शन में, तो आप अपनी स्थिति कहाँ खड़ी हैं? देखिए जी, ये तो लोक लहर है और हम तो जिस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये देखना जिस दिन रिजल्ट आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे, ये सिर्फ पैसे के दम पे फिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर लेके उड़ते फिर रहे हैं, लेकिन धरातल पे इनका कुछ भी नहीं है, लोग इनको ऊपर से ऊपर ही बाहर कर देंगे, क्योंकि ये डोर टू डोर जाएगा, जो लोगों के बीच रहेगा। आज हम पूरे सुबह से लगे हुए हैं डोर टू डोर, इसी तरह से पूरी टीम पसीना बहा रही है इतनी गर्मी, और लोग भी कह रहे हैं कि सलूट है आपकी मेहनत को और हम आपके साथ। ये AC रूम में बैठने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले, और ये हेलीकॉप्टर वाले बाहरी लोग, जिन्हें मैं हर बार कहता हूँ बाहरी हैं, और लोग इनको ऊपर से ही बाहर की बाहर ही कर देंगे थी। अच्छा, तो क्या अपील करना चाहेंगे अभी? बस मैं पूरी रानिया विधानसभा के जितने भी हमारे वोटर हैं उनसे एक ही अपील करूंगा, उनका साथ दो जो आपके साथ हैं। जैसे कल हमारे वहां पर सर्व कर्मचारी संघ के और सभी जितने भी कच्चे कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के थे, आंगनवाड़ी मैंने थी हमारी, मिड डे मील की थी, तो उनके बीच जब हम गए तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इतने खुश हुए कि आप हमारे साथ हर हमारे आंदोलन में रहते हो। उन्होंने बोला कि आप 2-3 साल से हमारे साथ चल रहे हो और इन नेताओं में से कभी कोई हमारे पास आया नहीं, हमने इनको कभी देखा नहीं जो हमारी दरी पर आके बैठा हो। तो इस तरह से जब प्यार मिलता है लोगों का तो बहुत अच्छा लगता है, और लोग इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा साथ दे रहे हैं, और इनको इस बार देखना, इन सभी को धूल चटाएंगे और आम आदमी को, अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार देंगे, रिजल्ट वाले दिन आप देखना कि इस बार कुछ नया होगा रानिया में। थैंक यू सर। ओके जी, धन्यवाद।